बालों को ख़राब कर सकती है आपकी ये एक गंदी आदत। जाने क्या है ये और क्यों है बालों के लिए नुकसानदेह। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली ब्यूटी केयर चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं बहुत सारी ब्यूटी केयर की टिप्स। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बालों को उंगलियों से रोल करके घुंघराले बनाना आपको अच्छा लगता हो, पर यह आपके बालों के स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य दोनों के लिए सही नहीं है। लड़कियों को आपने कई बार बालों में उंगलियों से कर्ल बनाते हुए देखा होगा। कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई फैशन है, लेकिन असल में ये एक खराब आदत है। दरअसल कुछ लड़कियों को आदत हो जाती है कि जब वो खाली बैठती हैं, अपने बालों से खेलती हैं, वो अपने बालों को अपनी उंगली के आसपास सहलाते हुए इसे रोल करती जाती हैं। इस तरह उनके आगे के बाल हमेशा घुंघराले नजर आते हैं, जिसे असल में हेयर ट्विरलिंग कहा जाता है। कई बार ये एंग्जाइटी की भी निशानी होती है, पर जो भी हो, इससे आपके बाल खराब हो सकते हैं। वो कैसे, आइए हम आपको समझाते हैं विस्तार से। क्या है हेयर ट्विरलिंग? बालों के साथ छल्ले बनाकर खेलना आप पर ही भारी पड़ सकता है। पहले तो ये आदत आपको नर्वस दिखाएगी। दूसरा ये कि आप जब भी कुछ सोच या सुन रहे होंगे तो आपके हाथ और उंगलियां दोबारा इसी काम को करने में लग जाएंगे। इसी तरह आप इन बालों को मोड़ मोड़ कर ख़राब कर देंगे। आपके बालों को घुमा देने से आपके बाल भी डैमेज हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें गांठें पड़ सकते हैं और दो मुँह बाल भी हो सकते हैं। हेयर ट्विरलिंग के नुकसान। बालों को ऐसे खींचकर घुमाने या रोल करने के कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि बालों का टूटना और कमज़ोर होना, उलझे हुए बाल, गंजा पेच और बालों का झड़ना, दो मुँहे बाल, एंग्जाइटी, दोहरावदार व्यवहार करना। बालों को रोल करने की आदत को कैसे रोकें? अगर आप अपने बालों के साथ खेलना बंद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। उसके बाद कुछ टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी इस आदत पर अंकुश लगा सकते हैं, जैसे कि अपने हाथों को कुछ रचनात्मक कामों के साथ व्यस्त करें, जैसे कि स्केचिंग। अपने बालों को ब्रश करें और उन्हें हाथों से न छुएं। आगे लटक रहे बालों को कटवा दें। बालों को रोल करने की इच्छा को कम करने के लिए अपने बालों की अच्छी देखभाल करें। पूरे बालों को टाइट से बांधकर ऊपर कर दें ताकि कोई भी बाल चेहरे के आगे न दिखें। ज्यादा होने पर एक मनोवैज्ञानिक से बात करके पता करें कि क्या आपको कोई संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी की जरूरत तो नहीं। छोटे लक्ष्य बनाएं, जैसे कि अपने बालों को एक बार में 2 घंटे तक न घुमाएं और खुद को बाल को छूने से रोकें। सोते समय इस आदत से बचने के लिए टोपी या हुडी पहनकर सोएं। मन को शांत करने के लिए योग करें। कैफीन और चीनी का सेवन कम करें। बालों को घुंघराले बनाने का मतलब ये भी है कि आपके मन में कुछ चल रहा है और उसमें उलझे जा रहे हैं। ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। यह शरीर में दोहरावदार व्यवहार और बचपन की व्याकुलता की निशानी भी हो सकती है। यह भी धारणा है कि बालों को मोड़ने की आदतें ट्रिकोटिलोमेनिया को जन्म दे सकती हैं। यह एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो आपके अपने बालों को बाहर निकालने के लिए आदत डलवाता है। ऐसे में बचाव का एक ही उपाय है कि आप पहले तो अपने हाथों पर कंट्रोल करें या कोई काम कर लें। बालों को चेहरे पर आने ही न दें और ध्यान को केंद्रित करने वाले कुछ एक्सरसाइज करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकती हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और देखते रहिए डेली ब्यूटी केयर चैनल।